तो आज का जो टॉपिक है वो आप स्लाइड देखकर समझ ही गए होंगे, सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी जो इम्पोर्टेंस ये वो आप अभी दो चार एग्जांपल से समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास को समझना और पढ़ना क्यों जरूरी है हमारे लिए। तो एक छोटे से एग्जाम्पल से हम इसकी शुरुआत करेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, एक स्फीयर है, ठीक है। और ये जो स्फीयर है वो कुछ इस तरीके का है कि ये दो तरीके का मोशन कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से है आपके पास ये स्फीयर कि इसका जो मोशन है वो दो तरीके का है, जिसमें इसके जो लीनियर मोशन है उसका एक्सेलरेशन अगर ए है, और इसका जो रोटेशनल मोशन है, ठीक है, उसमें जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो अल्फा है, ठीक है। तो दो तरीके का मोशन कर रहा है, एक लीनियर मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन जिसको हम बोलते हैं, और एक जो है वो एंगुलर रोटेशनल मोशन कर रहा है जिसमें इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो अल्फा है। तो इस केस में इस पूरे सिस्टम, इस पूरे स्फीयर को अगर देखें तो इस स्फीयर में पार्टिकल हैं, उनका अपना कुछ ना कुछ तो मास है, ठीक है। इसमें कई सारे पार्टिकल होंगे, ऐसा तो है नहीं कि एक पूरा का पूरा एक सॉलिड स्फीयर है, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ। तो इसके हर एक पार्टिकल का अपना कुछ ना कुछ मास होगा, ठीक है। M1, M2, M3, इस तरीके से हमने मान लिया अलग अलग मास है। तो ये जो सारे पार्टिकल हैं वो सारे के सारे पार्टिकल मूव कर रहे हैं। तो जब हम इसकी स्टडी करते हैं, जब हम इसको समझते हैं, जब इसको एनालाइज करते हैं रोटेशनल प्लस लीनियर मोशन को, तो हम ये पाते हैं कि जब हम इस पर लगने वाले फोर्स को देखेंगे एफ नेट, तो हम ये कहते हैं कि इसका जो एफ नेट है वो है एम ए। जब हम कहते हैं कि इसका जो लीनियर मोमेंटम है तो हम कहते हैं इसका लीनियर मोमेंटम होगा एम वी। तो इस केस में हम क्या लेते हैं, ये जो एक्सलेशन है वो एक्सलेशन कौन सा लिया जाता है, ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी कौन सी ली जाती है। तो इस पर हमें अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो इसमें पार्टिकल्स तो कई सारे हैं, हर एक का मास भी अलग अलग है, लेकिन हम एक्सलेशन एक ही यूज कर रहे हैं, तो वो एक्सलेशन कौन सा है। तो वो एक्सलेशन हम यूज करते हैं सेंटर ऑफ मास का, ये वेलोसिटी जो हम यूज करते हैं वो है सेंटर ऑफ मास की। ये है इंपॉर्टेंस इस पूरे टॉपिक की, यानी कि सेंटर ऑफ मास को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमने सेंटर ऑफ मास को समझ लिया तो 95% जो क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड वो हम आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि सेंटर ऑफ मास जो है वो कौन सा पॉइंट होगा। तो सेंटर ऑफ मास इस पूरे सिस्टम का एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर इस पूरे सिस्टम का जो मास है वो सेंटर्ड होता है, ठीक है। तो इसको हम समझेंगे अभी एक पूरे एक डेफिनेशन के साथ में और एक एग्जाम्पल के साथ में, ताकि आपको अच्छे से पूरे टॉपिक की जो एक फीलिंग है वो पूरी फीलिंग आ जाए। तो बात करेंगे कि ये जो सेंटर ऑफ मास है वो आया कहाँ से, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, किसने इसकी शुरुआत करी। तो आर्किमिडीज का नाम आपने सभी ने सुना होगा, तो एक ग्रीक मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट और साथ में साथ इंजीनियर, तो आर्किमिडीज, इन्होंने सबसे पहले इस सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, इन्हीं को इसका श्रेय जाता है। और बाद में अगर हम बात करें तो बाद में कई सारे जो वैज्ञानिक हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो सामने आए थे जिन्होंने इसको थोड़ा सा क्या किया, डेवलप किया आगे चल के। लेकिन शुरुआत जो की थी वो आर्किमिडीज ने ही की थी, और उन्होंने, आर्किमिडीज ने ये देखा कि अगर किसी भी एक पूरे सिस्टम पर टॉर्क एग्जर्ट होता है, टॉर्क का मतलब हो गया कि एक ऐसा फोर्स जो किसी बॉडी को रोटेशनल मोशन करवाने के लिए उत्तरदायी हो, तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं, ठीक है। जिससे वो क्या कर रहे हैं, रोटेशनल मोशन करने लगे। तो टॉर्क अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होता है तो ये पाया गया कि उस पूरी रिजिड बॉडी में एक ऐसा पॉइंट है जो कि जिस पर उसका सारा जो मास है वो सेंटर्ड है, और उसकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। उस पॉइंट की जो पोजीशन है उस पूरे मोशन के दौरान वो चेंज नहीं हो रही है। बाकी के सारे पार्टिकल जो है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, लेकिन उस पॉइंट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। इसको कुछ इस तरीके से समझिए, एक रिजिड बॉडी है हमारे पास, ठीक है। यहां से हम कुछ इस तरीके से समझते हैं, हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, ठीक है। इसमें कई सारे पॉइंट हैं, ये सारे बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो सपोज ये है। अगर ये जो है वो रोटेशनल मोशन कर रहा है तो इसके जो सेंटर ऑफ मास है इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। इस सेंटर ऑफ मास पर अगर कोई भी एक इंसेक्ट बैठा हुआ है, ठीक है, कोई भी एक कीड़ा जाके बैठ गया वहां पे, तो ये पाएगा कि इसके जो आसपास के पार्टिकल है, इसके जो आसपास के पॉइंट मास है, वो सारे के सारे या तो वो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, ठीक है। तो रिजिड बॉडी है तो जाहिर सी बात है कि वो सर्कुलर मोशन ही करेंगे उसके अलोंग, क्योंकि उन दोनों के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है। तो अगर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है तो वो क्या करेंगे, एक सर्कुलर मोशन करेंगे इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, ठीक है।
तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है उस सिस्टम का जिसमें सारे के सारे पॉइंट का जो मास है वो सेंटर्ड होता है और वो क्या रहता है पूरे मोशन के दौरान फिक्स रहता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास कहते हैं। तो बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन बहुत ही आसान है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि द सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट वेयर ऑल ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कंसंट्रेटेड। तो सेंटर ऑफ मास पूरे सिस्टम का एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर उस ऑब्जेक्ट के सभी मासेस का जो मास है वो सेंटर होता है, कंसंट्रेट होता है, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास कहते हैं, ठीक है। ये इसकी बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है। सेंटर ऑफ मास जो होता है वो एक फंक्शन है पोजीशन और मास का, ठीक है, केवल और केवल क्या है, एक फंक्शन है पोजीशन और मास का। तो हम ये कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास कुछ और नहीं है बल्कि क्या है, फंक्शन है पोजीशन एंड मास का, ठीक है। तो मास और पोजीशन अगर हमें पता है तो हम आसानी से उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मास और पोजीशन का क्या होता है, ये फंक्शन होता है किसी पार्टिकल के, और ये पूरा का पूरा मिलकर पार्टिकल जो है वो क्या बनाता है, एक कंपोजिट सिस्टम बनाता है, ठीक है। द सेंटर ऑफ मास इज ऑफन कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बट इसमें भी एक शर्त है। देखो सेंटर ऑफ मास को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्रायः कह सकते हैं, सामान्य रूप से कह सकते हैं, लेकिन उस कब कह सकते हैं, जब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या हो, यूनिफॉर्म हो। अगर यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फोर्स है तो केवल उस केस में हम क्या कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक ही पॉइंट पे, ठीक है। इसकी कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, जैसे सेंटर ऑफ मास है, दो पार्टिकल है हमारे पास, तो दो पार्टिकल अगर हमारे पास है उन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है उनको ज्वाइन करने वाली लाइन के सेंटर में होता है, और उसमें भी एक शर्त है कि अगर कोई किसी भी एंड में जो मास है वो मैसिव है यानी कि हैवियर है तो हैवियर मास की तरफ सेंटर ऑफ मास जो है वो चला जाएगा, ठीक है। यानी कि जो ज्यादा धनी है, जो ज्यादा पावरफुल है उसकी ओर वो सेंटर ऑफ मास जो है वो खिसक जाएगा, तो ये भी एक शर्त है। तो ध्यान रखिएगा, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम लाइज ऑन द कनेक्टिंग लाइन कनेक्टिंग द पार्टिकल्स एंड द सेंटर ऑफ मास इज क्लोजर टू द मोर मैसिव ऑब्जेक्ट। तो सेंटर ऑफ मास जो होता है वो क्लोजर होता है मोर मैसिव मास के, ठीक है। इसी के साथ में सेंटर ऑफ मास जो होता है वो लगभग एक, अगर हम कह सकते हैं सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है तो उस सिमेट्रिक स्ट्रक्चर के सेंटर में मौजूद होता है सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ऑफन प्रायः ऐसा पाया जाता है। देन द ऑब्जेक्ट कैन बी बैलेंस्ड एट दैट पॉइंट। तो सेंटर ऑफ मास को अगर एक टिप से क्या किया जाए, पॉइंट किया जाए, तो वहां से पूरा का पूरा जो सिस्टम है बैलेंस हो सकता है। तो सेंटर ऑफ मास को अगर हम पकड़ लें, ठीक है, तो उससे हम पूरे सिस्टम को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तीसरा पॉइंट जिसको हमें समझना जरूरी है कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रेक्टेंगल इज द इंटरसेक्शन एट द इंटरसेक्शन ऑफ द टू डायगोनल। कि हमारे पास अगर कोई भी एक रेक्टेंगल है तो उस रेक्टेंगल के डायगोनल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहां पर उसका सेंटर ऑफ मास मौजूद होगा। तो ज्योमेट्रिकली कह सकते हैं कि उसके सेंटर पर ही किसी भी एक सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट के सेंटर पर सेंटर ऑफ मास होता है, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही अगर रिजिड बॉडी है, अगर उसको कोई किसी एक एयर में प्रोजेक्ट किया जा रहा है, मान लीजिए मेरे पास ये पेंसिल है, ठीक है, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, हवा में इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, जिससे ये क्या कर रही है, दो तरीके का मोशन कर रही है, एक तो ये रोटेशनल मोशन कर रही है इस तरीके से घूमती हुई, और दूसरा ये क्या कर रही है, इस तरीके का पैराबोलिक पाथ ये ट्रेवल कर रही है। तो इसमें दो तरीके के मोशन हो रहे हैं, ठीक है, पैराबोलिक और रोटेशनल, ठीक है। बट अगर ध्यान से समझा जाए तो रोटेशनल जो है, मान लीजिए कि ये पेंसिल है, ठीक है, इसके एक एंड M1 है और दूसरा एंड M2 है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ कहीं पर होगा, ये सेंटर ऑफ मास है। तो ये जो सेंटर ऑफ मास है, ध्यान से अगर देखा जाए तो ये जो है वो पैराबोलिक पाथ पर मूव करेगा, लेकिन इसके जो बाकी एंड है वो इसके अलॉन्ग क्या कर रहे होंगे, सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे, या पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो रोटेशनल मोशन कर रहा होगा। तो सेंटर ऑफ मास जो है वो पैराबोलिक पाथ पर मोशन करेगा, बाकी के जो पाथ है वो पैराबोलिक पाथ पर मोशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास जो है अगर वो एयर में मूव कर रहा है तो वो पैराबोलिक या फिर आर्क पाथ पर मूव करेगा, ठीक है। मेथड क्या है इसको फाइंड करने का, तो अगर हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है तो जनरली हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए हम किसी भी एक सिस्टम को लेंगे और उसके एक पॉइंट को फोकस करेंगे, अगर वो बैलेंस हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से जैसे कहीं पर भी किसी भी पॉइंट को अगर हम टिप पर इस तरीके से रखते हैं और वो बैलेंस हो गया तो इसका मतलब वही उसका क्या है, सेंटर ऑफ मास है, ठीक। सेंटर ऑफ मास का मतलब हो गया जिससे पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है, पूरा का पूरा सिस्टम है, जिस पॉइंट से वो बैलेंस हो रहा है
वही उसका सेंटर ऑफ मास है। तो एक इजी मेथड, दो मेथड इसके मैं बता दूंगा। पहला मेथड ये है कि हमारे पास देखिए ये एक पूरा का पूरा आपको दिख रहा होगा, ठीक है, वाइपर टाइप का। तो यहाँ पे इसने इस पॉइंट को क्या कर रखा है, टिप कर रखा है, इस पर रख रखा है उंगली। तो ये इससे क्या हो गया, बैलेंस हो गया, यानी कि इसका जो नेट फोर्स हो गया इस पॉइंट पर इसको टिप करने से, तो इसने पूरे के पूरे मास को क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया, ठीक है। तो एक इजी मेथड ये है, डिटरमाइन टू लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड पोल इज सपोर्टेड द पोल हॉरिजॉन्टली ऑन द फिंगर फ्रॉम ईच हैंड, ठीक है। दोनों हैंड से इसको अगर हम इस तरीके से लोकेट करते हुए लेके आए, ठीक है, आराम से, और वो पॉइंट ढूंढे जहां से वो पूरा का पूरा सिस्टम बैलेंस हो जाए, तो वो उसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी प्लेन है, तो उस प्लेन में हम क्या करें, प्लम लाइन खींचे, तो प्लम लाइन से भी हम इसके सेंटर ऑफ मास को फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैंने एक पहले वाले पहली प्लम लाइन खींची, एक दूसरी प्लम लाइन खींची और तीसरी प्लम लाइन खींची, ये तीनों जहां पर भी इंटरसेक्ट कर रही है, वो उसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। तो ये एक तरीका है कि आप किसी भी एक 2D में या प्लेन में क्या करिए, प्लम लाइन खींचिए और उन तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा होगा वो क्या होगा, उसका सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। बात करें कि सेंटर ऑफ जो मास है उसको हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, सेंटर ऑफ मास को फाइंड करने की इक्वेशन क्या है, तो ये इक्वेशन होती है मास इनटू पोजीशन, ठीक है, अपॉन टोटल मास। तो ये होता है m1 x1 + m2 x2 / m1 + m2। मान लीजिए कि ये m1 है और इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से, ठीक है, ओरिजिन से, वो x1 है, ये m2 है और इसकी डिस्टेंस जो है वो x2 है। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो m1 x1 + m2 x2 / m1 + m2, इस तरीके से हम इसको निकालेंगे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को। एक क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ थ्री पार्टिकल्स, तीन पार्टिकल्स हैं तो इनका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो एक 1 kg का है, दूसरा 4 kg का है, तो तीसरा जो है वो 2 kg का है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करें, इसको हम मान लेते हैं कि ये ओरिजिन पर है, ठीक है, तो ये जो है xy प्लेन हम ले लेते हैं और इसको मान लेते हैं कि ये क्या है, ओरिजिन पर है। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि 1 kg इंटू यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो कितनी है, 0 है, तो ये जाएगा 0 meter। दूसरा 4 kg का है और इसकी डिस्टेंस कितनी है, 2 meter। तीसरा 2 kg का है और इसकी डिस्टेंस कितनी है, 5 meter। तो हमने क्या करा, 1 × 0, 4 × 2 and 2 × 5, और अपॉन में जो टोटल मास है 1 + 4 + 2, इनको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो हमें कितना मिला, 18/7। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.75। इसका मतलब यहाँ पर जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा वो ओरिजिन से 2.57 मीटर की डिस्टेंस पर होगा। तो ये इसका क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास, ओके। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करें, तो हमारे पास ये तीन ऑब्जेक्ट हैं और ये क्या बना रहे हैं, एक ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो इनका हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है, जिसमें हमें मास गिवन है, पहले वाले का 1.2 kg है, दूसरे वाले का 2.5 kg है और तीसरे वाले का जो मास है वो 3.4 kg है। तो x एक्सिस पर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, m1 x1 + m2 x2 + m3 x3 / m1 + m2 + m3। तो यहाँ पे आ जाएगा 83 सेंटीमीटर x एक्सिस पर, ठीक है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। दूसरा अगर हम देखेंगे y एक्सिस पर कितना निकल के आ रहा है, तो y एक्सिस पर देखेंगे तो m1 y1 + m2 y2 + m3 y3 / m1 + m2 + m3। तो यहाँ से हम देखेंगे तो y1 और y2 0 पॉइंट है, 0 लोकेशन है, और y3 की जो लोकेशन है वो कितनी है, 121 सेंटीमीटर। तो टोटल जो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन मिलेगी वाई एक्सिस पर वो क्या मिलेगी, 58 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो एक्स एक्सिस पर कितना, 83, और वाई एक्सिस पर कितना, 58, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पर मिल जाएगा सेंटर ऑफ मास का, जो कि यहाँ पे डिनोट किया गया है। तो इस तरीके से हम सेंटर ऑफ मास फाइंड करते हैं 1D और 2D के लिए। आगे भी हम और ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे सेंटर ऑफ मास पर, और अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, उसका जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको दिया जाएगा अगली वीडियो में। और जल्द ही क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है बोर्ड क्लास के लिए, 12th के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर।